सर मानव श्रृंखला को लेकर सुरक्षा के क्या उपाय किए हैं? सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, वैकल्पिक मार्ग भी चिन्हित कर लिया गया है ताकि किसी प्रकार के आवागमन और वाहनों के परिचालन में परेशानी ना हो। सभी थानों में जिला बल, BMP, चौकीदार और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर ली गई है। हर एक किलोमीटर पर एक एक पुलिस पदाधिकारी मोटरसाइकिल गश्ती में रहेंगे। ड्रॉप गेट 27 बनाए गए हैं और लगभग 700 पुलिस पदाधिकारी कर्मी लगेंगे इसमें। कल मानव श्रृंखला बनाई जानी है जिसकी समस्त स्तरों की तैयारी व्यापक रूप से कर ली गई है। जिले में कुल 432 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनेगी जिसमें मुख्य मार्ग जो है 43 किलोमीटर का होगा जो भागलपुर जिले की सीमा और पूर्णिया जिले की सीमा को कनेक्ट करता हुआ राज्य के मुख्य रूटों को कनेक्ट करता हुआ पटना तक पहुँचेगा। इसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी है, पेयजल की, चिकित्सा की, यातायात रेगुलेशन की, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हर एक 100 मीटर पर नायक लगाए गए हैं और 1 किलोमीटर पर महानायक और सेक्टर और जोनल, साथ ही जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के, हर ब्लॉक में उनको नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो हमारी समस्त व्यवस्थाएँ पूर्ण हैं और आप लोगों से अपील है कि कटिहार के अधिक से अधिक नागरिक को इससे जुड़ने का अपील करें क्योंकि ये बहुत ही पवित्र उद्देश्य है, पवित्र सरोकार है, एक सामाजिक क्रांति का परिचायक होगा और हमें उम्मीद है कि इतिहास एक कटिहार एक अपना एक इतिहास रचेगा और बहुत ही अद्भुत अभूतपूर्व मानव श्रृंखला बनेगी। 432 किलोमीटर है जिसमें 43 किलोमीटर जो है वो भागलपुर से पूर्णिया को जोड़ता हुआ मुख्य मार्ग का पार्ट बनेगा जो पूरे राज्य का मुख्य मार्ग होगा और शेष अन्य जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, एंड सब रूट्स हैं वो। कितने लोग इससे जुड़ेंगे कुछ इसकी? इस बार चूंकि बाढ़ में भी श्रृंखला बनाई जानी है, बाढ़ में जो लोग मुख्य मार्ग पे उपमार्ग पे नहीं पहुंच पाते हैं उनको अपने बाड़ों में ही रहना है, तो निश्चित रूप से पूर्व में जिस तरह 12-13 लाख का लोगों ने श्रृंखला बनाई थी उससे 3-4 लाख ऊपर, मतलब 17-18 लाख की श्रृंखला बननी चाहिए।